हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, 65th BPSC के अंतर्गत जो हैंड रिटन नोट्स आता है दोस्तों, उसके क्रम में आज जो मैं लेकर आ रहा हूँ, जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट्स है दोस्तों, 2019-20 का जो रिपोर्ट्स आया है, उस रिपोर्ट्स को आपको कहीं ना कहीं मेंस में या 66 प्री की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट है दोस्तों, उस रिपोर्ट्स को उसमें स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, खाद्य पोषण और जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो था 115 जिला में, जिसमें भारत के जो 41% आबादी है जो वहाँ निवास करती है, तो उसके बारे में दोस्तों है जो हम है जो चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो मेरा मेन फोकस रहेगा दोस्तों, स्वास्थ्य और कृषि पे रहेगा, फिर उसके बाद शिक्षा और ऊर्जा पर रहेगा, फिर खाद्य और पोषण और जो भी जो बचा हुआ रहेगा रेस्ट उस पर जो पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के भी जरूर शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। वही मेरा मानक होता है कि जो हम वीडियो बनाते हैं वो है जो आपके लाइक है। चलिए दोस्तों, तो नीति आयोग का जो रिपोर्ट्स 2019-20 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नीति आयोग के बारे में आप जान भी करते हैं, 1 जनवरी 2015 को है जो इसका स्थापना हुआ था। इसके अभी वर्तमान जो अध्यक्ष है, जो PM होते हैं, और यह है जो योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया था। ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है और यह है जो आपका जो योजना आयोग से थोड़ा भिन्न है। योजना आयोग है जो अपना जो टॉप टू बॉटम चलता था, यह है जो बॉटम टू टॉप चलता है। ये राज्यों के द्वारा बनाए गए जो सिफारिश होती है, उस सिफारिश को है जो इस पे काम करता है, उस पे है जो उसका संज्ञान लेता है और उस पे है जो काम करता है। इसमें सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, अंशकालिक सदस्य होते हैं, तो उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। हम रिपोर्ट्स के बारे में हमें जो आपकी चर्चा करना चाहते हैं। तो स्वास्थ्य का जो बात है दोस्तों, स्वास्थ्य है कृषि की, आज इसका मेरा मेन फोकस आज इस पे रहेगा, उसके बाद इस पे रहेगा और इस पे रहेगा। अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को और दोस्तों को भी शेयर करें। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट्स आया है दोस्तों, उस रिपोर्ट्स में 19-20 में क्या कहा गया है, तो जो आयुष्मान भारत योजना है दोस्तों, जो विश्व की सबसे बड़ी है जो स्वास्थ्य सेवा में है जो केयर योजना है, इसको मोदी केयर के नाम से भी जानते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के भी नाम से जानते हैं, और यह है जो दोस्तों नेशनल हेल्थ प्रोग्राम था उसके आधार पर उसको है जो एबोलिश करके या उसको मिलाकर है जो इसको बनाया गया है। इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं दोस्तों। योजना का नाम जरूर याद रखिएगा, क्या कि आपको लिखने में सहूलियत होगा। एक्चुअली दोस्तों, ये 10 करोड़ परिवारों को और प्रत्येक परिवार में 5 परिवार को लेकर बनाया गया, तो करीब करीब 50 करोड़ परिवार का है जो ये कवरेज करती है। इसमें जो रिपोर्ट है दोस्तों, 5 मिलियन लाभार्थी, 10 वर्षों में इसका है जो क्या होना चाहिए उसके बारे में बताया है। श्रेणी 2 और 3 शहरों की ज्यादा जरूरत है। और अभी जो मन की बात में जो आप बोले, जो मोदी जी ने बताया था कि जो 1 करोड़वां अभ्यर्थी है जो आपका पूजा थापा है जो मेघालय की है, तो इसको हम थोड़ा सा है जो प्रीलिम्स के टाइप से इसको हम जोड़ दिए दोस्तों। और दूसरी चीज की ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2015-30 का, उसके अंतर्गत भी है जो स्वास्थ्य को रखा गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों जो 10 वर्षों में जो अभी जो है 0.064 मिलियन बेड की और जरूरत होगी अगले 10 वर्षों में। और वर्तमान में दोस्तों 14,379 अस्पताल है, इसमें 6.34 लाख है जो बेड है। तो इसको क्या करना है कि वर्तमान में जो है उससे 3 गुना करने का लक्ष्य है जो रखा गया है रिपोर्ट में है जो बताया गया है। ये दोस्तों मोदी केयर के भी नाम से जाना जाता है। और 3 संसदीय क्षेत्र पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसमें करनी है। और इसका जो जो जिनको लाभार्थी होंगे वो जनगणना 2011 पर है जो इस पे निर्धारित होगा। दोस्तों, अगर आपको एग्जाम्पल किसी देश का देना है अगर स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में, तो आप मैक्सिको का दे सकते हैं। वहाँ की स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति बहुत ही बेहतर है और वहाँ से किसी भी देश को अगर सीखना चाहिए तो मैक्सिको की जो स्वास्थ्य सेवा है जो वहाँ का कवरेज करती है सरकार, वो है जो सबसे बेहतरीन है जो वर्ल्ड का माना जाता है। तो आप एक जो एग्जाम्पल में अगर आप देना चाहते हैं तो मैक्सिको का दे सकते हैं। तो ये है दोस्तों आयुष्मान भारत का है जो कुछ इम्पोर्टेंट था जो आपको हम बताए। अगर ये आपको मेंस में लिखने के लिए आ जाएगा तो मेंस में भी लिख सकते हैं, अगर पीटी में आएगा तो पीटी में भी इससे जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपको इसमें है जो उससे देख सकते हैं दोस्तों।
दूसरी चीज कि जो इसी से रिलेटेड जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जो 71वें दौर का जो सर्वे हुआ था उसमें पता चला कि 80% भारतीय के पास बीमा नहीं है, 80% भारतीय के पास बीमा नहीं है, जिसमें जो शहरी में है 18% शहरी तथा 14% ग्रामीण आबादी जो है उसका मात्र 12% शहरी का है जो सरकार, और 14 में 13% जो सरकार द्वारा जो वित्त पोषित है जो बीपीएल में आते हैं जो किसी तरह से जो सरकार का जो लाभ उठा रहे हैं उसके क्रम में है जो ई डेटा है जो 12% शहरी और 13% सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है, बाकी जो बचे हुए हैं उनके पास न बीमा है न है जो कोई कवरेज है। तो इसीलिए है जो यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम जो आपका जो चला ये कहीं ना कहीं है जो भारत के स्वास्थ्य सेवा के विशेष क्षेत्र में है जो काम करने के लिए अग्रसर होगा। इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें कहा गया है कि जो सर्वे हुआ है उसमें कहा गया कि अभाव के कारण है जो स्वास्थ्य व्यय से ग्रसित हो जाते हैं लोग, इलाज जो जिनके पास जो पैसा ज्यादा लग जाता है जिसके कारण है जो इलाज नहीं करा पाते हैं, इसीलिए जो स्वास्थ्य व्यय से है जो वो ग्रसित रहते हैं, इसको मिसिंग मिडिल कहा जाता है, जिसको कहा जाता है मिसिंग मिडिल कहा जाता है, एक टर्म है दोस्तों उसको मिसिंग मिडिल कहा जाता है। तो यह है जो दोस्तों आपका आयुष्मान भारत और जो अब इसी के साथ जो सैंपल सर्वे हुआ था उसका है जो डेटा है। दूसरा है दोस्तों कि फार्मास्यूटिकल और मेडिकल उपकरण मैं दवाई और मेडिकल उपकरण के बारे में है जो नीति आयोग ने क्या रिपोर्ट्स दिया है। यह है जो रिपोर्ट्स है दोस्तों जो 2019-20 का जो पिछले साल का वो रिपोर्ट्स आया उस रिपोर्ट्स की हम चर्चा कर रहे हैं। तो डॉक्टर वीके पाल की अध्यक्षता में है जो इसके लिए है जो विशेष एक गठन किया गया था जिसमें उचित मूल्य पर प्रबंध करने की बात की गई है रिपोर्ट्स में बताया गया है, और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण के अंतर्गत है जो किसी भी दवाइयों का है जो मूल्य का निर्धारण किया जाएगा, और उसके लिए व्यापार मार्जिन उत्तीकरण जिसको TMR कहा जाता है वो है जो मुनाफा मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने पर है जो काम करेगा। तो यह जो आपका दवाई और मेडिकल उपकरण से रिलेटेड था जो रिपोर्ट्स था जो वीके पाल की अध्यक्षता में बनाया गया था। अब है जो दोस्तों व्यापार करने की आसानी बनाने के लिए जो नीति आयोग ने अपना रिपोर्ट जो सौंपा है उस रिपोर्ट्स में IT डिपार्टमेंट्स, अनुवांशिक कार्य साधन क्षमता समिति, पर्यावरण वन तथा जलवायु मंत्रालय प्लस ICMR को है जो उसमें है जो इंक्लूड किया है कि ये चार मंत्रालय जो है इसके लिए है जो अगर IT डिपार्टमेंट है तो IT डिपार्टमेंट में है जो दोस्तों कि स्टॉक या मैंने किसी भी तरह का अगर मान लीजिए कि सप्लाई से रिलेटेड है या उसके वैधता से रिलेटेड है तो इसके लिए जो विभिन्न जो IT डिपार्टमेंट्स हैं उस IT डिपार्टमेंट के साथ है जो कोलोबरेशन करेगा। कोलोबरेशन करने के बाद वहाँ की जो स्थिति जैसे पुणे में हो गया हैदराबाद में हो गया तो वहाँ के साथ है जो उसको ऐड करके जो अनुसंधान होते हैं जो उपकरण किट्स बनते हैं या व्यापार करने के लिए जो माध्यम है उस माध्यम में IT डिपार्टमेंट को और ये सब इसको पर्यावरण वन तथा जलवायु मंत्रालय का है कि किस प्रकार की है जो ये दवाई का क्या स्थिति है उस स्थिति के जानने के लिए वो है जो इकोलॉजिक इसको वातावरण से रिलेटेड या जलवायु से रिलेटेड है कि नहीं है उसके बारे में है जो वो है जो पूरी तरह से है जो छानबीन करेगा। उसके बाद है जो व्यापार करने के लिए है जो अनुमति देगा जिसमें ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भी शामिल किया गया था। चार डिपार्टमेंट मिलकर व्यापार करने के लिए एक है जो विधेयक बनाया गया एक है जो बिल पास किया गया है कि यही चार डिपार्टमेंट है जो इसमें काम करेगा। दूसरा है कि दोस्तों स्टेम सेल तथा इसे संबंधित उपयोग वाणिज्यक के लिए दिशा निर्देश दिया गया है जो स्टेम सेल्स हैं और इसे से संबंधित उपयोग जो चिकित्सीय उपयोग होता है उसके लिए वाणिज्यक माने जो जो व्यापार करेगा उसके लिए है जो दिशा निर्देश है जो जारी किया गया है। नई दवा तथा नैदानिक परीक्षण नियम 2018 को है जो उसमें है जो परिवर्तित किया और 30 दिन के भीतर बाजार प्राधिकरण का प्रावधान किया। किसी कारणवश लाइसेंस के कारण है जो रोक दिया जाता था तो बहुत सारे कारण थे जिसे इस डिपार्टमेंट में जो कोई अनुमति नहीं देगा तो है जो बाजार में नहीं आएगा तो इसके लिए जो विशेष है जो प्रबंध किया गया है चारों डिपार्टमेंट के साथ है जो जोड़कर है जो उस अधिनियम को बनाया गया है। कार्यशाला में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना इसमें क्या है कि दोस्तों अगर किसी का पेटेंट है किसी भी देश का तो उसमें क्या है कि अगर दवाई कोई बाहर से मंगाता है तो आप कोशिश करना है कि भारत के अंदर है जो उसका है जो प्रोडक्शन किया जाए उसको पेटेंट को है जो लीज पर लेके या किसी भी तरह से प्रबंध करके है जो उसको
भारत में उसका उत्पादन किया जाए। अभी आप देखते होंगे दोस्तों कि कोविड-19 का जो वैक्सीन बन रहा है जो मॉडर्ना कंपनी का है, उसका है जो एक लाइसेंस जो यहाँ है जो पुणे को भी दिया है बनाने के लिए। तो इस सब चीज़ कि मेक इन इंडिया का भी है जो उसमें प्रयास कर किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो विधेयक है जो 2019 में पारित किया है, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को है जो चेंज करके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया किया गया है उसमें, तो विधेयक 2019 है जो उसमें पारित किया गया है। तो दोस्तों स्वास्थ्य से रिलेटेड जो था उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो आपको हम बताए हैं। दूसरा चीज है दोस्तों कि कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए क्या क्या किया गया है, जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट है। सिर्फ हम रिपोर्ट्स पे चर्चा करेंगे और कुछ चर्चा नहीं कर रहे हैं दोस्तों। किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य जो 2022 में रखा गया है दोस्तों, उसके अंतर्गत 2019-20 में जो नीति आयोग का रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में क्या कहता है। तो इसके लिए दोस्तों जो 2019 में कृषि में परिवर्तन हेतु एक समिति बनाया गया था, जिसकी अध्यक्षता देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उनकी अध्यक्षता में बैठक हुआ था, और इसमें 7 राज्यों के मुख्यमंत्री को शामिल किया गया था, और 7 राज्यों के साथ कृषि कल्याण मंत्रालय भी है जो इसमें शामिल था। 7+1 एक मंत्रालय था वो। इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, निवेश, सिंचाई और जल संरक्षण पे है जो ज्यादा फोकस है जो इसमें है जो किया गया था कृषि परिवर्तन समिति में। तो खाद्य प्रसंस्करण, निवेश, सिंचाई और जल संरक्षण के क्षेत्र में है जो काम करने के लिए। इसका तो सबका अलग अलग है दोस्तों। फूड प्रोसेसिंग के लिए आपको बिहार से भी ऐड करके लिखना है कि बिहार का खगड़िया और बक्सर में भी है जो फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र बढ़ रहा है। फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है दोस्तों कि जो 100 किलोमीटर का जो, जैसे मान लीजिए 10 जिला है, 10 जिला है तो 100-200 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, और यह जो अपना पैकेजिंग करता है उसको बनाता है और वह जो मार्केट में उसको उतारता है। तो इससे रिलेटेड है दोस्तों कि आपको है जो खाद्य प्रसंस्करण, निवेश को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र में दोस्तों, निवेश के बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम, जैसे मान लीजिए कि बहुत है जो लीज पे पट्टा पे जो अपना खेती दे दिया गया, तो उसको उसमें है जो अपना निवेश करता है, जैसे ब्रिटानिया की कंपनी हो गया, जैसे पेप्सी कंपनी हो गया, तो बहुत सारे जगह है जो किसानों से लीज पर ले लेता है और है जो उसमें निवेश करता है। तो इस निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी है जो इसमें लाया गया था। सिंचाई पे है जो काम करना था, और जल संरक्षण के तहत, तो जानते हैं दोस्तों कि जल संरक्षण कितना इम्पोर्टेंट है जो। तो इससे रिलेटेड है जो कृषि में परिवर्तन हेतु समिति के लिए जो मेन जो मुद्दा था इस पे है जो बात किया गया था। दूसरा है जो पीएम आशा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम है जो बनाया गया है दोस्तों। पीएम आशा करके है, अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम है। इसके अंतर्गत अन्न से रिलेटेड जो अन्नदाता जो किसान है उसके है जो बेहतरीन के लिए, उसके किसानों के अच्छे काम के लिए और किसानों के रोजगार और किसानों के रोजगार और किसानों के है जो आय को दुगुनी करने में है जो कहीं ना कहीं है जो अधिनियम है जो काम करेगा, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बहुत सारी योजना है। तो उस योजना की हम बाद में बात करेंगे। अभी हम जो सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जो योजना आयोग, जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट क्या कहता है उस रिपोर्ट पे हम बात कर रहे हैं। मूल कमी खरीद स्कीम उसको लागू किया, मूल समर्थन स्कीम, निजी खरीद एवं स्कॉट स्कीम, ये सब नया स्कीम के तहत है जो उसमें। और अभी जो दोस्तों जो वर्तमान के है जो 14 फसलों पर है जो MSP को दिया गया है, और इसमें 50 से 83% है जो किया गया है। लेकिन स्वामीनाथन कमेटी जो 2003 का रिपोर्ट है उसको अभी भी लागू नहीं किया गया है। तो दोस्तों यही चीज है कि अभी तो वर्तमान की चीज है उसको हम बता दें दोस्तों, लेकिन पहले इससे पहले 24 फसलों पर दिया जाता था, और वह जो कृषि एवं लागत मूल आयोग है जो उसको है जो निर्धारित करता है। समझ गए दोस्तों, जो तो यह है जो दोस्तों आपका कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए। फिर है जो जीरो बजट प्राकृतिक खेती पे है जो विशेष जोर दिया गया है, इसकी अध्यक्षता जो राजीव कुमार की अध्यक्षता में है जो हुआ था। इसमें क्या है दोस्तों कि जो प्राकृतिक खेती के संवर्धन से रिलेटेड है ये, और ये जैविक खेती से अलग है दोस्तों। जैविक कृषि है ना, उससे अलग है कृषि ये। और यह जो 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तथा 600 क्लस्टर पर कार्य प्रारंभ करने का फैसला लिया गया है, और यह जो इसके लिए दो योजना बनाया गया है दोस्तों। दो योजना क्या है कि परंपरागत कृषि विकास योजना, और दूसरा है जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसके अंतर्गत है जो दोस्तों यह जो जीरो बजट जो है
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए जो काम करता है। ये थोड़ा जैविक कृषि से थोड़ा सा अलग कृषि है दोस्तों, इसमें एक कृषि है। और इसकी जो है जो 17वीं जो लोकसभा है, बेसिक टू बेसिक्स अप्रोच के अंतर्गत है, जो वित्त मंत्री ने 17वीं लोकसभा में इसके बारे में है जो आपको बताया था। जीरो बजट प्राकृतिक खेती के बारे में हम नया चैप्टर लेके आए हैं दोस्तों, कैसे वो काम करता है, क्या है। और ये तेलंगाना तेलंगाना से शायद है जो इसको स्टार्ट किया गया था, और उस पर जो पूरा विस्तृत है एक चर्चा हम लेकर आएंगे उसको दोस्तों। अभी हम जो रिपोर्ट्स पे बात कर रहे हैं, सिर्फ रिपोर्ट्स पे, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्राम भंडारण स्कीम, ग्राम भंडारण स्कीम अब है दोस्तों कि उसके लिए भंडारण की जरूरत पड़ेगी। तो इसको चार क्षेत्रों में जो नीति आयोग ने बांटा था, अनाज जैसी कठोर फसलें, जल्दी खराब होने वाली सामग्री को लंबे समय तक रखना, जल्दी खराब होने वाली फल फसलें, और गैर खाद्य उद्योग जो कच्चा माल प्रयुक्त होता है, जो चार क्षेत्र में इसको है जो इसको रखा है दोस्तों। और यह है जो भंडारण के क्षेत्र में काम करता है, वेयर हाउसेस कैसे है जो कैसे करना है इसके लिए है, जो अनाज का भंडारण कैसे करना है, कोल्ड स्टोरेज की क्या व्यवस्था है, तो इसके बारे में है जो दोस्तों है जो चार क्षेत्र में है जो इसको बांटा गया है। और इसके लिए है जो दोस्तों जो कनेक्ट किया है एपीएमसी एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी और कृषक इंटरफेस के माध्यम से दोस्तों, ये है जो कोई भी है जो अनाज का जो बिक्री होगा मार्क वो है जो उसको ई मंडी के माध्यम से होगा, ई ई मंडी हो गया, ई किसान रेल हो गया, ग्रीन चैनल हो गया, इसके माध्यम से आप है जो भंडारण से किसी भी मार्केट या मंडी में है जो उसको भेज सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय जियो इन्फॉर्मेटिक सेंटर जो है एक पोर्टल बनाया गया है जिसको जियो टैकिंग वेयर हाउस कहते हैं, और इसमें ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय कृषि मंडी को जो रह गया, राष्ट्रीय कृषि मंडी में ई नाम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक है जो एग्रीकल्चर मंडी इसको बोला जाता है, करीब करीब बहुत सारे शहरों में इसको है जो बना दिया गया है। अभी जो 500 के आसपास शहर है जो इसमें पूरा लिया गया है, अभी उसमें सभी में नहीं ऐड हुआ, लेकिन कुछ कुछ शहरों में है जो इसको ऐड कर दिया गया है एग्रीकल्चर मंडी को। तो ये कुछ दोस्तों जो है स्वास्थ्य और कृषि से रिलेटेड जो नीति आयोग का रिपोर्ट्स था, वो रिपोर्ट्स को बताने की कोशिश की है। और इसमें बहुत छोटा छोटा चीज है दोस्तों, लेकिन एक वीडियो में सिर्फ हम रिपोर्ट्स की चर्चा की है, बाकी है जो इससे रिलेटेड बहुत सारा चीज़ है तो हम उसको खींचने की कोशिश नहीं की है। हम सोचे हैं कि आपको रिपोर्ट्स पता चले कि आपको एग्जाम में लिखने में सहूलियत हो। तो दोस्तों आगे हम लेकर आएंगे आपका शिक्षा से रिलेटेड, फिर है जो शिक्षा के बाद फिर आपका जो खाद्य सुरक्षा है, पोषण है, उसके बारे में फिर लेकर आएंगे। और फिर जो SDG इंडेक्स के बारे में क्या क्या कहता है नीति आयोग, उसके उसको भी है जो दोस्तों हम लेकर आएंगे। तो Part 2 देखना ना भूलिएगा, Part 2 इम्पोर्टेंट होने जा रहा है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो जरूर है जो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, यही मेरा मानक होता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।